तो फ्रेंड्स देख सकते हैं पसीना पसीना हो जा रहे हैं छिलका रोटी बनाते बनाते। तो आइए आप सब भी छिलका रोटी खाने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और देख सकते हैं पूरा अंधेरा दिख रहा है, यानी कि लाइट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो मज़ा आ रहा है, गर्मी भी नहीं लग रहा है। तो गर्मी ख़त्म, गर्मी से राहत हो गया। अब बारिश का सीज़न आ गया। तो देख सकते हैं मेरा घर में कैसा पानी गिरता है। और इधर हम और मम्मी छिलका रोटी बना के खा रहे हैं। मटन के साथ में खाए थे सुबह में, लेकिन फिर से खाने का मन किया तो ऐसे ही निकाल के खा रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं ऐसे ही दोनों। तो मम्मी साड़ी का फॉल्स लगा रही थी बट बारिश में ऐसे ही, और हम और पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं आज। और देख सकते हैं मेरा टूटा हुआ घर में कितना ज़्यादा पानी गिर रहा है। और मम्मी को तो कोई चीज़ का टेंशन ही नहीं होता, और हम और पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं आज। इधर उधर पानी कहाँ चू रहा, नहीं चू रहा। और कल नहीं परसों, दो दिन पहले भी बारिश हुई थी तो बहुत ज़्यादा पानी चुआ हुआ था। तो पापा नहीं थे तो हम अकेले क्या करेंगे, तो हम नहीं बनाए। किधर किधर चूता है उसको। और देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी बर्तन रख रही है क्योंकि वहाँ पे अब्सॉर्ब हो जाएगा। और पापा इधर बना रहे हैं, और एक दो जगह हम भी बनाए थे क्योंकि पापा पहले मतलब बनाते थे बचपन में इसी तरह। तो हम लोग देखते थे किस तरह पानी चूता है घर में, कपड़ा को इधर उधर एडजस्ट करने से, यानी कि नहीं चूता है। तो हमको भी आइडिया था तो हम भी बहुत जगह ऐसा मतलब कर दिए। और देख सकते हैं पापा उधर बना ही रहे हैं। तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। और आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और इधर हम पापा को लाए हैं स्कूटी सिखाने के लिए। तो घर में कोई नहीं रहता है, मम्मी पापा सिर्फ, तो हम सोचे कि पापा को स्कूटी सिखा देते हैं। तो पापा कहीं भी आना जाना करेंगे अपना अकेले, चर्च जाना, मार्केट जाना या और भी कहीं जाना। तो पापा को फर्स्ट में ही बोले कि हम ही बोले पापा को, कहे कि पापा कभी नहीं बोलते हैं कि हमको ये करना वो करना, हम ही बोलते हैं कोई भी चीज़ करना रहता है। तो पापा को हम बोले कि चलाइएगा पापा, तो पापा फिर चलाने लगे। देख सकते हैं फर्स्ट ही बार चला रहे हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो किसी का भरोसा में नहीं रहेंगे, अगर कहीं जाना रहता है, हम लोग घर में नहीं रहते हैं तो दूसरा मतलब यानी कि गांव का भैया सबको मतलब चाचा सबको बुलाना पड़ता है, या फिर वो सब भी नहीं रहते हैं तो कोई नहीं ले जाता है कहीं भी। सब अपना अपना काम में बिजी रहता है तो कोई कहीं नहीं ले जाता है। हम सोचे पापा को सिखाते हैं, अभी घर में है तो फिर चले जाएंगे तो घर ऐसे गाड़ी पड़ा हुआ रहेगा। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक। तो पापा के लिए लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। तो आज के लिए बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।